नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में जो हम जानकारी दिए हैं विटामिन के बारे में, उसमें कुछ विटामिन की जानकारी दी है। और दोस्तों अब हम बताएंगे विटामिन B6। B6 से आगे जो भी विटामिन है उन सब के बारे में बताएंगे जो उस वीडियो में नहीं बताए हैं। दोस्तों इसका कारण, इसकी रोग और इसकी उत्पत्ति, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों तब हम बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को रासायनिक तौर पर पाइरिडॉक्सिन कहा जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को सही तरह से बनाए रखने में मदद कर सकता है। वही व्यक्ति जितना प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे उतना ही शरीर में पाइरिडॉक्सिन की जरूरत बढ़ेगी। इसके अलावा यह विटामिन शरीर में एंटीबॉडीज बनने में मदद कर सकता है दोस्तों, जो रोगों से लड़ने में सहायक साबित होता है। यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के साथ साथ हीमोग्लोबिन बनने में और एनीमिया से बचाव में भी उपयोगी हो सकता है। शरीर में इसकी कमी से चिड़चिड़ापन या उलझन महसूस होने की समस्या हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे विटामिन B6 की कमी के कारण। दोस्तों गुर्दे संबंधित यानी किडनी की समस्या होना, होमोसिस्टिन्यूरिया चयापचय में गड़बड़ी से जुड़ा एक अनुवांशिक रोग होना, एंटी एपिलेप्टिक मिर्गी या दौरे की जो दवा है इन दवाओं का सेवन करना, रूमेटाइड आर्थराइटिस जोड़ों से जुड़ी समस्या जैसे ऑटोइम्यून विकार होना, शराब का सेवन करना, एस एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन की कमी होना, होमोसिस्टिन रक्त में मौजूद एमिनो एसिड का स्तर अधिक होना। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन की कमी के लक्षण दोस्तों, दौरे आना, मानसिक स्थिति में बदलाव होना, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया रक्त से जुड़ा एक विकार दोस्तों, प्रूरिटिक त्वचा पर दाने या खुजली होना, होठों पर सूजन होना, ग्लोसाइटिस जीभ में सूजन होना, अवसाद होना, खाद्य स्रोत इसका क्या है, शाकाहारी भेज में एवोकाडो केला सूखी हुई फलियां साबुत अनाज सूखे मेवे, नॉन वेज मांसाहारी क्या है, मांसाहारी हो गया जैसे मांस मुर्गी। अब बात करेंगे विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B7 या बायोटिन शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चयापचय के लिए जरूरी होता है, साथ ही यह हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के लिए भी जरूरी माना जाता है। यह शरीर के स्वस्थ विकास और शरीर में फैटी एसिड बनने में मदद कर सकता है। विटामिन B7 की कमी के कारण होलोकार्बोऑक्सीलेज सिंथेटेज चयापचय से जुड़ा एक जन्मजात विकार, ऐसी स्थिति जब शरीर बायोटिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है, आहार में बायोटिन युक्त खाद्य की कमी होना, दवाओं के साथ विटामिन B7 युक्त आहार की प्रक्रिया होना, गर्भावस्था धूम्रपान करना, बायोटिन का शरीर में न घुलना, कच्चे अंडे का सेवन करना या अंडे के सफ़ेद भाग का अधिक सेवन करना। विटामिन B7 की कमी से मुख्य तौर पर न्यूरोलॉजिकल स्थितियां हो सकती है जैसे हाइपोटोनिया मांसपेशियों का कमजोर होना, दौरे आना, शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रित होना, सुन्नता या झुनझुनी होना, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास धीमा होना, अवसाद डिप्रेशन होना, सुस्ती होना, भ्रम होना। बायोटिन की कमी के कुछ अन्य सामान्य लक्षण इस प्रकार है, मांसपेशियों में दर्द होना, डर्मेटाइटिस
एक प्रकार का एक्जिमा होना, ग्लोसाइटिस जीभ में सूजन होना, त्वचा पर चकते होना, बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना या कमजोर होना। खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी भेज, चॉकलेट, सूखी हुई फलियां, दूध, सूखे मेवे, खमीर, उठा हुआ भोजन। मांसाहारी नॉन वेज, अंडे का पीला भाग, मांस। विटामिन B9, फोलेट या फोलिक एसिड। विटामिन B9 या फोलिक एसिड शरीर में विटामिन B12 के साथ मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद कर सकता है। यह DNA के उत्पादन के लिए भी जरूरी होता है, जो ऊतकों के विकास और कोशिकाओं के कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। वही गर्भावस्था के पहले और गर्भावस्था के दौरान भी यह जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। इसका सही मात्रा में सेवन करना होने वाले शिशु को न्यूरल ट्यूब दोष जैसे स्पाइना बिफिडा के जोखिम को कम कर सकता है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में इसका सेवन करने से गर्भपात के जोखिम को कम किया जा सकता है। हम बता दें कि फोलेट प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में होता है, वही फोलिक एसिड मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले सप्लीमेंट हैं। विटामिन B9 की कमी के कारण, विटामिन B9 युक्त खाद्य पदार्थों की आहार में कमी होना, ऐसे रोग होना जिसके कारण शरीर में फोलिक एसिड अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होता है, जैसे सिलिएक रोग या क्रोहन रोग। शराब का सेवन, खाने को अत्यधिक पकाकर खाना, हीमोलिटिक एनीमिया, शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं न होना, किडनी डायलिसिस, खून को फिल्टर करने की एक कृत्रिम विधि, विटामिन B9 के कमी के लक्षण, ग्लोसाइटिस, जीभ की सूजन होना, एंगुलर एस्टोमाइटिस, सूखे या लाल होठ होना, मुंह में छाले होना, अवसाद होना, चिड़चिड़ापन होना, अनिंद्रा की समस्या होना, संज्ञात्मक समस्या, थकान होना, साइकोसिस, गंभीर मानसिक स्थिति, डायरिया की समस्या होना, सफ़ेद बालों की परेशानी होना, सही शारीरिक व मानसिक विकास न होना। खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी भेज, शतावरी, ब्रोकली, चुकंदर, सूखी फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, लोबिलिया, चावल, एवोकाडो, ब्रेड, मटर, मसूर की दाल, संतरा, मूंगफली का मक्खन। मांसाहारी नॉन वेज, अंडा, मांस, केकड़ा, मछली, मुर्गी। विटामिन B12, विटामिन B12 को सियानोकोबलामिन कहते हैं। इसके सेवन से एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है, साथ ही यह पुरानी व गंभीर बीमारियों और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक प्रकार का जन्म दोष के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन B12 अन्य बी विटामिन की तरह विटामिन चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बता दें कि शरीर विटामिन B12 को वर्षों तक लीवर में स्टोर करके रख सकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण, डाइट में विटामिन B12 युक्त खाद्य की कमी होना, नियमित रूप से शाकाहारी खाना या शाकाहारी होने के कारण परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 को अवशोषित करने वाले प्रोटीन की कमी होना, पेट या आंत की बीमारी जैसे सिलिएक रोग और क्रोहन रोग होना, बढ़ती उम्र के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन कम होना, शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता हो सकती है।
वीगन डाइट, माल ऑब्जॉर्प्शन, पेट में सूजन होना, विटामिन B12 की कमी के लक्षण, शारीरिक रूप से कमज़ोर होना, एनीमिया, खून की कमी होना, परनीशियस एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी होना, शरीर के संतुलन में गड़बड़ी होना, बाहों और पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी होना, बढ़ती उम्र के साथ दृष्टि से संबंधित समस्याएं होना। खाद्य स्रोत, शाकाहारी भेज, मक्खन, दही, दूध, केला, स्ट्रॉबेरी, पालक, राजमा, ओट्स, दलिया। मांसाहारी, नॉन वेज, टूना, फिश, अंडा, मांस, सालमन, मछली। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही यह शरीर में आयरन के अवशोषण में भी मदद कर सकता है, जिससे ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा विटामिन सी घाव भरने में भी मदद करता है। विटामिन सी के कमी के कारण और लक्षण। दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण क्या है? आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों की कमी होना, सिर्फ गाय का दूध होना, नवजात शिशु जो सिर्फ दूध पीते हैं, शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, टाइप 1 डायबिटीज होना, पाचन संबंधित विकार होना, आयरन का स्तर अधिक होना, कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से एलर्जी होना। विटामिन सी की कमी के लक्षण क्या है? सिम्टम, चिड़चिड़ापन होना, एनोरेक्सिया, एक प्रकार का आहार संबंधी विकार होना, घावों का जल्दी न भरना, दांतों का खराब होना, मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून बहना, एकिसोसिस, रक्त वाहिकाओं का क्षतिग्रस्त होने के कारण त्वचा में अंदरूनी रक्त स्राव होना, हाइपरकेराटोसिस, एक प्रकार का त्वचा विकार होना, वजन बढ़ना, जोड़ों में दर्द होना, त्वचा का ड्राई होना, नाक से खून आना, बालों का रूखा होना या टूटना। खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी भेज, ब्रोकली, अंकुरित अनाज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खट्टे फल, आलू, पालक, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, लाल मिर्च, अंगूर का रस, कीवी फ्रूट, हरी शिमला मिर्च, चकोतरा, हरी मटर, नारंगी। मांसाहारी में नॉनवेज में है अंडा, मछली। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की मुख्य तौर पर हम सूर्य की किरणों से प्राप्त कर सकते हैं। शरीर में इसकी उचित मात्रा बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सप्ताह में कम से कम 3 बार 10 से 15 मिनट के लिए धूप के संपर्क में रहा जाए। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषण में मदद कर सकता है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों के स्वस्थ विकास और रखरखाव में मदद करता है। साथ ही विटामिन डी खून में कैल्शियम और फास्फोरस के उचित स्तर को बनाए रखने में भी उपयोगी होता है। विटामिन डी की कमी के कारण। आहार में विटामिन डी की कमी होना, शरीर में विटामिन डी का अवशोषित न होना, सूर्य की रोशनी के संपर्क में न आना, किडनी और लीवर का शरीर में विटामिन डी का न बना पाना। विटामिन डी की कमी के लक्षण। हड्डी में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, पेशियों में दर्द होना, थकान होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, कमजोरी होना। खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी में है जैसे दूध और डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, दही, मक्खन और क्रीम, मशरूम। मांसाहारी नॉनवेज में है वसा युक्त मछली जैसे सालमन, मछली के गुर्दे का तेल और लीवर ऑयल, अंडे की जर्दी। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम विटामिन ई से आगे के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।